एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेक करना है कि ये जो आपका दिया गया क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टेटमेंट को हम लोग अगर देखेंगे कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको हम लोग सर्वांगसम के लिए हमारे पास कंग्रुएंस होने के लिए तो है बेटा, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आप इज सच दैट ट्रायंगल 1 इज कंग्रुएंस ट्रायंगल ट्रायंगल 2, ठीक है। ट्रायंगल 1 किसके कंग्रुएंस ट्रायंगल है, ट्रायंगल 2 का। तो हम लोग अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो उसको क्या करना होगा, आपको अब बनाने और लिखने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हो। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखते थे हम लोग बेटा बताओ, फॉर रिफ्लेक्सी विटी, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको क्या करना है, मानना नहीं है, आपको देखना है कि वो रिलेशन उसमें वैलिड है या नहीं। एक्स के वाई के जगह एक्स डालना था, बी के जगह ए डालना था, यहाँ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 है तो ट्रायंगल 2 के जगह ट्रायंगल 1 डालना है। तो आप खुद से आप बताओ, आप लिखोगे वी है, आप देखो बताओ मेरे को कि क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 का कंग्रुएंस होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, इसका मतलब है कि ट्रायंगल 1 सर्वांगसम होगा ट्रायंगल 1 का, यानी कोई भी त्रिभुज खुद का ही सर्वांगसम होता है, बिल्कुल होता है। तो चलो इसका मतलब है कि दैट इंप्लाइज ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब बेटा ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी चेक करेंगे इसके सिमेट्री को। तो फॉर सिमेट्री के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, मानना पड़ता है। तो चलो मानेंगे हम लोग, लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर, और ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दैट मींस कि ट्रायंगल 1 इज कंग्रुएंस ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 2, यानी त्रिभुज पहला त्रिभुज दूसरे का सर्वांगसम त्रिभुज है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, अगर ये इसके सर्वांगसम है तो ये भी इसके सर्वांगसम होगा। तो इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल 2 इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल 1, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ये बेटा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया और साथ में क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब क्या चेक करना होगा बेटा, ट्रांजिटिविटी। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी अगर हम लोग लेते हैं तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बताओ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर, ये तो पहला। और फिर तीसरे के लिए भी मानना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। अब आप इसको क्या लिखोगे, ट्रायंगल 1 इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल 3, ठीक है। तो अब इसमें त्रिभुज तीसरा भी आ गया। अब अगर ये इसके सर्वांगसम है और ये इसके सर्वांगसम है, ऑब्वियसली ये भी इसका सर्वांगसम होगा। तो यहां से हम लोग क्या इंप्लाई करेंगे कि ट्रायंगल 1 इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल 3, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट वाला एक और क्वेश्चन देखें, एक आधे एग्जांपल देते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सारे के सारे एग्जांपल को आप देखो तभी जाकर आप उसके फायदों को ले पाओगे। तो चलो हम लोग एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते। तो हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, आपको करना क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा करना पड़ेगा कि सेकेंड एलिमेंट के जगह फर्स्ट एलिमेंट देखना है, उसके बाद देखना है वो वैलिड है या नहीं। फिर बेटा आगे क्या करना, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सिमेट्रिक में आपको एक बार मान लेना पड़ेगा, फिर उसको स्टेटमेंट को लिख देना है, फिर आपको रिवर्स के पॉसिबिलिटी को देखना है। अगर रिवर्स का पॉसिबिलिटी भी सही है तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग ट्रांजिटिविटी में आएंगे तो हम दो एलिमेंट को मानेंगे, और दो एलिमेंट को मानने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। और इस एग्जांपल में हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी इज सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। और आपका ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू जेड,
ठीक है, इंटीजर के सेट में आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, आपके पूर्णांक के समुच्चय में एक संबंध दिया है और कहता है कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो आपको क्या करना है, इस रिलेशन को चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि क्या ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरे फॉर्म में। तो इक्वल टू के हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू के मान लेते हैं, के के हमारा कोई भी एक आर्बिट्ररी इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख के हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा होगा या नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसके लिए सबसे पहले देखेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप स्टेटमेंट है इसके, इसको भी आप छोड़ के लिख सकते थे। अब अगर रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे तो अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए बी के जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है, और चूंकि ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और इक्वेशन वाले में हमने आपको बताया है कि अगर आप LHS में चले जाओगे तो आपको रिफ्लेक्सिव वाले वीडियो में, सिमेट्रिक वाले वीडियो में सब में बताया मैंने इक्वेशन वाले को कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर इसके LHS में चले जाओगे तो बी के जगह ए पुट करोगे, तो बी के जगह बेटा ए पुट करोगे तो ए माइनस से इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो LHS का वैल्यू जीरो आ गया और जीरो इज आल्सो एन इंटीजर, जीरो भी आपका इंटीजर है क्योंकि k एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो k है वो k का जो वैल्यू है वो अभी फिलहाल किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि k क्या है आपका, RHS के बराबर है। तो इसका मतलब है, या इसको आप और ज़्यादा ब्रॉडली लिखोगे तो जीरो इंटू के फॉर्म में लिख सकते हो, और इसका मतलब है कि a a belongs to R, therefore it is reflexive relation। इसका मतलब बेटा ये कैसा relation है, reflexive relation है। चलो इसको और दिमाग से दूसरे example से देख सकते हो, जैसे कि one one लोगे बेटा तो one का मतलब one minus one, अगर two two लोगे तो बेटा two minus two, three लोगे तो three minus three। तो आप देख रहे हो कि कोई भी अगर integer हम लोग लेंगे, same integer लेंगे तो उसका difference जो होगा वो हमेशा एक integer ही आएगा, यानी zero ही आएगा। इसका मतलब है कि a belong कर रहा है सभी values के लिए, इसका मतलब reflexive relation है। ठीक है, अब हम लोग इसको किस चीज को चेक करेंगे बेटा, सिमेट्री को चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमेट्री, आपको ध्यान रखना है कि आपको मानना पड़ेगा। तो चलो बेटा मानेंगे क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब बेटा, ए माइनस बी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब आपको एक रफ आइडिया लेना है कि पॉसिबिलिटी को देखना है कि अगर बी ए बिलोंग करता तो। ठीक है बेटा, ये बात दिमाग में अपसेट करना पड़ेगा इक्वेशन टाइप वाले क्वेश्चन में कि अगर बी ए बिलोंग करता तो। अब अगर इसको बी ए बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बेटा क्या, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ बी ए बिलोंग करता है तो बी आपका फर्स्ट एलिमेंट है, माइनस सेकेंड एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो b माइनस ए इक्वल्स टू इंटीजर, तो अब आपको यहाँ तो a माइनस बी है, तो अब यहाँ मैथमेटिक्स लगाओगे आप। तो अगर आप मैथमेटिक्स लगा के b अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस के, b माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के। और अगर आपने k को इंटीजर माना है तो निश्चित रूप से माइनस के भी आपका एक इंटीजर ही होगा। अगर आपका 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी क्या है, आपका एक इंटीजर ही है। इसका क्या मतलब है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसका क्या मतलब है बेटा कि ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। कोई इशू है किसी बच्चे को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चेक करेंगे बेटा, फॉर ट्रांजिटिविटी। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग मान लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर।
ठीक है बेटा। तो आप डेफिनेशन के हिसाब से लिखोगे तो क्या लिखोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू के वन एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू के टू। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से यह आ गया होगा कि सर यहाँ पे आपने k एज्यूम किया, यहाँ पे के वन और के टू क्यों एज्यूम किया, क्योंकि a और b का डिफरेंस कोई भी वैल्यू हो सकता है इंटीग्रल वैल्यू, और b और c का भी डिफरेंस कोई भी दूसरा इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है या सेम इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि वो सेम इंटीग्रल वैल्यू होगा या डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू होगा, इसलिए मैंने किसको k1 k2 माना। अब हम लोगों को क्या करना है, किसी भी तरह से ऐड करके या किसी भी प्रोसेस से b को इलिमिनेट करना है। ऑब्वियसली यहां बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, अगर दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे तब भी वो कैंसिल आउट होके आपका b इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां b हटाने के लिए हम लोग दोनों को सिंपली जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, सिंपली जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे k1 प्लस k2 लिखोगे, b से भी कैंसल आउट हो जाएगा, यानी a माइनस c इज इक्वल टू k1 प्लस k2। अब बताओ कि ये भी तो एक इंटीजर होगा, क्योंकि द सम ऑफ टू इंटीजर्स भी आल्सो ए इंटीजर। अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब है कि a और c का भी डिफरेंस जो है वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है बेटा ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो मैंने आपको तीन चार एग्जांपल देके बताया कि अगर कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है, आप एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसका स्पेशल वीडियो बनाया गया, वहां भी आप जाके देख सकते हो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपका मैंने टाइप वन क्लियर किया है, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप टू। तो चलिए अब हम लोग आपको इस रिलेशन के टाइप टू वाले की तरफ ले जाते हैं, जहां पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा आपका इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी पर, यानी कि आपका समीकरण और असमीकाओं पे आधारित क्वेश्चन होगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ये थोड़ा सा टीडीएस टाइप का है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा जिससे आपका क्या होगा, ये जो बनाने में आपको डिफिकल्ट लगता है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको इस पूरे वीडियो को बिगिनिंग टू एंड तक देखना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हमारा जो पहला एक क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के लिए आपका दिया गया है, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट दिया है जहां जिसका एलिमेंट 1 टू 14 तक है, और आपके पास एक रिलेशन दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, और आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मेरा जो तीनों वीडियो बना हुआ है रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे और ट्रांजिटिव पे, वहां पे मैंने इसका केस स्टडी करा हुआ है। तो आप वहां जाके आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फिर मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर तीनों स्टडी करना हो तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी क्या हेडिंग देके आप चेक कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को देख के आप इसको बना सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जो हमारा क्वेश्चन है, ए बी इज सच दैट ए इक्वल्स टू बी, और हमारा जो ये ए और बी है वो हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। वो ए और बी किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। अब आपको चेक करके देखना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। लेट्स बिगिन। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग देंगे बेटा, फोर रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लेते हैं। तो फोर रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करना पड़ता था, मानना नहीं पड़ता था, सीधे क्या करना पड़ता है, LHS में, क्योंकि अब इक्वेशन है तो LHS RHS के तरफ जाएंगे। आप LHS RHS दोनों तरफ से देखो कि B के जगह आपको A पुट करना है, तो आपका LHS बेटा यहाँ क्या है, तो LHS आपका सिंपली A है, B यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसके RHS की तरफ चले जाओगे तो RHS में B है, तो B के जगह A पुट कर दोगे, तो ऑब्वियसली हमारा LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। Since LHS equals to RHS, that implies A belongs to R. ठीक है? अगर इस साइड में भी B होता तो हम लोग उस B के जगह A पुट करते, लेकिन इधर तो B था नहीं, तो हमारा ये सेम LHS रह गया। अब राइट साइड में अगर हमारा B है तो वहां पे A पुट करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने जैसा कुछ था नहीं है, तो सिंपल B के जगह ये डालने से वैल्यू आ गया। तो अब हमने देखा कि LHS और RHS दोनों हमारा सेम हो गया, इसका मतलब है कि A इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेम नहीं होता इनकेस, तो हम लोग लिखते कि A डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट
नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो करना क्या है, आप LHS पोर्शन को देखोगे, RHS पोर्शन को देखोगे। LHS में आपको क्या करना है, अगर XY के टर्म में है तो Y के जगह X बैठाओगे, इसमें अगर XY के तरह है तो इसमें भी आप बैठाओगे और दोनों वैल्यू को देखोगे टैली कर रहा है कि नहीं। अगर टैली किया तो A बिलोंग करेगा, अगर टैली नहीं किया तो वो बिलोंग नहीं करेगा। फॉर सिमेट्री, ठीक है बेटा, इसका हम लोग सिमेट्री चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि ये है नहीं। तो चलो हम लोग मानेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। चलो बेटा यहाँ तक मान लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन यहाँ है आप उसको लिखोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए इजकल टू बी। अब अगर आप तुरंत रफ में जाओगे, ये रफ वाला वर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे अगर सिंपल है तो आप तो सिंपली निकल लोगे, लेकिन अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी रफ पार्ट आप करना जरूरी है। अब अगर BA बिलोंग करता तो पॉसिबिलिटी मानो कि अगर BA बिलोंग करता तो, अगर AB बिलोंग कर रहा है यानी फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड, तो अगर BA बिलोंग करता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे B इक्वल्स टू A, तो मैथमेटिकली देखो तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, यानी B इक्वल्स टू A तो लिख सकते हैं कि जब AB के बराबर है तो ऑब्वियसली BA के बराबर होगा। दैट इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिविटी के लिए भी क्या करना पड़ता है बेटा, मानना पड़ेगा ए बी और बी सी को। तो मान लो बेटा क्या मानोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। अब अगर आप देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर ए सी बिलोंग करता है बेटा तो ए सी के लिए आप बताओ तुरंत क्या सोचोगे, अगर ए सी बिलोंग करेगा इसका मतलब ए इक्वल टू सी होना चाहिए। ऑब्वियसली मैथमेटिकली देखो कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ऑब्वियसली ए सी के बराबर होगा। दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो स्टेटमेंट देखिए, अगर इक्विवेलेंस पूछेगा तो एक लाइन में लिख देंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो हमने दो क्वेश्चन अभी आपको बताया, आपको और भी क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप क्या करोगे, अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से इजिली बना सकते हो। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको नजर आए तो आप चले जाओ मेरे तीनों पार्ट की वीडियो में, वहां पे मैंने एक एक करके केस स्टडी करा है, वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थ्री लेते हैं, रिलेशन लेते हैं हम लोग, ए बी इज सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, a माइनस बी जो है हमारा किसके द्वारा डिविजिबल है, 5 के द्वारा, और यहाँ पे आपका हो सकता है ए बी बिलोंग्स टू R, हमारा रियल नंबर का सेट है और कह रहा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ये कहेगा कि a माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 5, सेम चीज है, डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5 दोनों सेम चीज है। ठीक है, मॉड भी लगा के दे सकता है। ठीक है, तो इसको और कॉम्प्लिकेशन कर दें हम लोग जिससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, विदाउट मॉड और मॉड दोनों का दोनों हम लोग बना लेंगे। चलो तो अब आओ, अगर ऐसा दिया हुआ है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 या मॉड लगा देंगे, मॉड हम लोग यूज कर लेंगे, तो मॉड यूज करके भी कैसे बनाएंगे। तो चलो फोर रिफ्लेक्सिविटी से ही शुरू करते, बार बार सिमेट्री देखना पड़ता है, रिफ्लेक्सिविटी से ही शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी से शुरू करेंगे, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली अगर देखोगे, अगर मैंने बताया हुआ है कि वहां पे एक वीडियो में मॉड ए माइनस बाई इक्वल टू 5m लिख सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल 5 है, इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा, तो 5m लिख सकते हैं। अब आप मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं पूरे क्वेश्चन को यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये तीनों का तीनों पार्ट के वीडियो में मैंने 2m वाले क्वेश्चन को बता दिया है, आप रिफ्लेक्सिविटी भी चेक कर दिया, सिमेट्रिक भी चेक कर दिया, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर दिया, आप चले जाओगे उस वीडियो को देख लोगे और वहां से 5m था, 2m था, 3m था, हो सकता है वो 3 का मल्टीपल हो या 3 डिविजिबल बाय 3 दे, तो हर एक केस के लिए आपका सेम बनेगा और आप देखोगे ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और साथ में ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको नोटिस क्या करना है, कैसे चेक करना है, देखिए सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, फॉर रिफ्लेक्सिविटी।
आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिविटी में आपको पहले से एज्यूम करना है वी हैव, ठीक है। और लेस देन एंड इक्वल टू का क्या मतलब है बेटा, कि या तो लेस हो या तो इक्वल हो, अगर दोनों में से कोई होल्ड कर जाएगा तो हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक अगर होल्ड करेगा तो हम लोग इसको ट्रू मानेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, क्योंकि ए इज नॉट लेस देन ए बट ए इज इक्वल्स टू ए, छोटा तो नहीं है, ए से छोटा नहीं होगा लेकिन ए के तो बराबर होगा, इसका मतलब ये आपका वैलिड है। दोनों में से कोई अगर एक वैलिड हो गया तो ये वैलिड हो गया, तो इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है बेटा कि ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन जब बात सिमेट्री की आएगी तो मामला यहाँ बेटा फंस जाएगा, क्योंकि सिमेट्री के केस में अगर आप देखो 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, 2 3 से छोटा है, बराबर तो है नहीं लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन 3 ना ही छोटा है नहीं बराबर है, तो यहां वाले केस में आपको क्या करना होगा, एज्यूम करके यहां लिखना पड़ेगा ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो यहां लिखेंगे कि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, बट आप एक स्टेटमेंट यहाँ बढ़ा के भी आप चाहोगे तो लिख सकते हो, सिंस यहाँ लिख सकते हो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, और तब यहाँ पे आप दैट इंप्लाइज करके भी आप लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट बना सकते हो, या ये काम आप रफ में भी कर सकते हो। तो यहाँ लिख दो तो ज्यादा बेटर है कि आप लिख दो कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, देयरफॉर 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अब जब इस क्वेश्चन के ट्रांजिटिविटी में आएंगे, फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको मान लिख के चल सकते हैं यहाँ पे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस से देख सकते हो कि अगर ए छोटा है बी से या बी छोटा है सी से, तो ऑब्वियसली ए छोटा होगा सी से, या अगर इक्वल टू होल्ड कर रहा है तो तीनों बराबर होगा आपस में। इसका मतलब है कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू सी, दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि लेस देन के ये वाला केस में ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? हम लोग इस एग्जांपल से आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, आपको मैंने बताया कि ये 2 क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आप माइन्यूटली जब तक नहीं देखोगे तब तक आप उसको प्रॉपर वे में नहीं हैंडल कर पाओगे। एग्जाम होता क्या है, बच्चा अभी समझ ले रहा है, दिमाग में जा रहा है, आपको बताया था मैंने वीडियो में फील गुड और गुड फील का केस, आपको लगेगा कि मैं समझ लिया हूँ, बिल्कुल आसान है, निकल लोगे, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे, एग्जाम के प्रेशर में रहोगे, एग्जाम के एग्जाम रूम में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, डाटा ही दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली देखना होगा। तो चलो बेटा हम लोग इसको चेक करेंगे बेटा, किसके लिए, पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे। तो अगर हम लोग इसको रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे तो अब हम लोगों को वैल्यू से ही हैंडल करना है, हम लोग वैल्यू को लेके ही हैंडल कर पाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हमें क्लियर है कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शनल वैल्यू लेना हमेशा, 1/2, 1/3, 1/4, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लो और उसका खुद का स्क्वायर करोगे, क्योंकि अगर ए बिलोंग्स टू करेगा इसका मतलब है कि ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर।
ए का वैल्यू ए के स्क्वायर से हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शनल केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा भी नहीं होता और बराबर भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब है बेटा ये कैसा रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या आएगा बेटा मेरा, सिमेट्री का केस आएगा। दूसरा हम लोग सिमेट्री के केस को देखेंगे। तो सिमेट्री के केस में जैसे ही हम लोग आएंगे, तो सिमेट्री के केस में भी आपको देखना है कि स्क्वायर वाला टर्म हैंडल होना चाहिए, वो रिवर्स में होना चाहिए। अब देखो इसको, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1/2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, 1/2 का मान 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, बट आपको पता है कि 1 इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन 1 इसके स्क्वायर से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। फ्रैक्शनल वैल्यू लेके यहाँ, यानी इधर लेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, इधर कोई भी नॉर्मल वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। इसका क्या मतलब है कि 1/2 1 बिलोंग्स टू R, बट 1/1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1/1/2 इसमें बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब है बेटा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे 4 ट्रांजिटिविटी के लिए। हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से लिख लोगे, आई नो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है, एक पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक नेगेटिव वैल्यू लेना है, फिर उसी नेगेटिव वैल्यू के लिए एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का वैल्यू -2 के होल स्क्वायर से आपका छोटा होगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर ये आपको तो यही एलिमेंट लेना है, -2 भी हम लोग जानते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेंगे 1/2 या 1/3 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली -2 जो है 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि सिंस एंड, ठीक है ये दोनों केस तो ले गए, लेकिन अगर आप देखो 1 जो है वो 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा नहीं है, बट 1 इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो इसी को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 -2 बिलोंग्स टू R एंड -2 1/2 बिलोंग्स टू R, बट 1/2 does not belongs to R, therefore it is not transitive रिलेशन। फिर से मैं इसको थोड़ा सा हैंडल करके बता दूं कि आपको क्या करना है, यहाँ कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, जस्ट इसके लिए कोई भी नेगेटिव बड़ा वैल्यू ले लेना है। ठीक है, फिर उसी नेगेटिव वैल्यू को यहाँ लेना है और यहाँ कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेना है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली इसका कनेक्शन जब भी इससे करोगे तो वो किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 4 लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे -6 लेते हैं और यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लोग रिलेट करते हैं कि 4 इज नॉट लेस देन एन इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, तब भी हमारा ये वैलिड हो जाएगा। तो ध्यान के रखना है, यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उससे ग्रेटर निगेटिव वैल्यू का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और फिर उसी निगेटिव वैल्यू और यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर अगर आप इसको एडजस्ट करके देखोगे कोई भी रिलेशन पर ये वैलिड हो जाएगा, और तब आपका ये देखे कि हमारा ये जो रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। और इस तरह से हमने क्या किया कि आपको केस स्टडी करके बताया कि रिलेशन का किसी भी तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने मेरे इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और साथ में अगर आप कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, वो भी दें, वो उससे मेरे को एनर्जी मिलेगी और मैं नए नए वीडियो बनाता रहूँगा।